इंजीनियर साहब पे मुश्किल पड़ी है। जो शख्स ये हदीस सुनाता है अनन नबीउल्लाकज़िब, वो आज अपनी मुश्किल के दौर में क्यों नहीं निकल रहा? लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल है क्या, दीवाना तो नहीं हो गया है क्या? आपने इसी वीडियो में कहा था रहमान साहब के हाथ के ऊपर 5 लाख उलमा की बैत है, मैं उनमें से किसी आलिम के साथ बात करता हूँ, 5 लाख है मेरे पास, उम्र नू भी हो खत्म नहीं होगा, तो ट्रैक फाइनल खिलाओ मुझे। सही कह रहे हैं, इस वक्त अगर आपकी उम्र 46 साल है तो 16,790 दिन बनते हैं। 16,790 दिनों में आप 16,790 उलमा के साथ मनाजरा मुबाहिसा कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको इस मुश्किल में डाला ही 8,395, मैंने उससे भी आपको बचा लिया 4,000 3,000। नहीं जी, कि दो आदमी जो शिया मनाजर हैं, दो अहले हदीस मनाजर हैं, दो देवबंदी मनाजर हैं, इनके साथ करके आप गल मुका दें। मगर अली भाई आप याद करेंगे, आपके इस चाहने वाले ने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि कहिए 9 अफराद की कहानी भी रोक दो, सिर्फ 26 नवम्बर को बैठ जाओ, 26 नवम्बर को आप सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद जिस नवंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त में जून जुलाई को आप बोलेंगे फाइनल मैं आपको खिलाऊंगा और ये आवाम खिलाएगी, मुफ्ती तकी उस्मानी के पांव में पड़ जाएगी, ये जाके मुफ्ती मुनीबुर रहमान के पांव में पड़ जाएगी कि अली भाई ने सेमीफाइनल खेल लिया है और सेमीफाइनल में वो कामयाब हुए, अब तुम फाइनल खेलो। एक जमाना हो गया है, अक्टूबर में हमने ये बात की और अब तक वीडियोस बनाने वाली सरकार एक वीडियो बना के ये नहीं कह रही कि मैं मुताला कर रही हूं। बरेलवी हैं और बरेलवियों के सामने मुनाजरा हो नहीं सकता, ये आप कह रहे हैं। मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस बात पे गौर, कमरे की फजा और है, मुनाजरे की फजा और है।